हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट पेन के बारे में कि ब्रेस्ट पेन के पीछे क्या क्लिनिकल रीज़न है क्या मिथ है और लोग क्यों इतना उसको लेके परेशान होते हैं और कई बार वो कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा बना रहता है कि एक कॉम्प्लेक्स का रूप ले लेता है और ये पता नहीं लग पाता कि ब्रेस्ट पेन के पीछे क्या रीज़न है तो आज हम उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे क्लियर करने की कोशिश करेंगे ये एक साइंटिफिक चैनल है जो कि आपको हेल्थ साइंस के बारे में साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड एजुकेशन देता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए आई कैन वेल well हिट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए आपकी तरफ से ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा ब्लेसिंग्स होगी और आ, ये आ, हम सोसाइटी को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आप एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें आज ब्रेस्ट पेन के बारे में बात इसलिए करनी जरूरी है कि बहुत सारे केसेस मैंने क्लिनिक में देखे हैं यदि किसी भी फीमेल को ब्रेस्ट के में पेन होता है या चेस्ट में पेन होता है या ब्रेस्ट के अंदर उन्हें टेंडर दिखाई देता है या खिंचाव आता है या वो हैपीनेस फील करती हैं तो फर्स्ट थॉट होता है कि ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो सकता हो गया है या ब्रेस्ट में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ गई है और ब्रेस्ट कैंसर डे बाई डे ये प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ भी रहा है आ, उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीज़न है हम उनको समझने की कोशिश करेंगे ब्रेस्ट पेन कोई जरूरी नहीं है कि ब्रेस्ट पेन के पीछे कैंसर ही एक रीज़न हो कैंसर की गांठ एक रीज़न हो ब्रेस्ट पेन मस्कुलर भी हो सकता है और एपिगेस्टिक भी हो सकता है और कई बार ये देखा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के कारण भी ब्रेस्ट पेन होता है या ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली बंद करने के कारण भी ब्रेस्ट में पेन हो जाता है और एक सेक्रीशन, हार्मोनल सिक्रीशन यानी इरेगुलर हार्मोनल सिक्रीशन भी एक ब्रेस्ट पेन का रीज़न हो सकता है और दूसरा प्रॉपरली अच्छे से प्रॉपर फिट का ना पहनना ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ब्रेस्ट पेन का कारण हो सकता है तो अब हम वन बाई वन इन सब को समझने की कोशिश करेंगे यदि आप मोर देन थर्टी फाइव हैं आ, तो आपको आ, ब्रेस्ट में पेन के पीछे कोई क्लिनिकल रीज़न हो सकता है यदि आप फीडिंग मदर हैं और आपने यदि इमीडिएटली सडनली एक आ, अचानक एक विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ब्रेस्ट फीडिंग बंद करा दिए तो उसके कारण भी आपको पेन हो सकता है थर्ड रीज़न हार्मोनल और फोर्थ रीजन डेफिशेंसी एंड एक्सरसाइज का ना करना, करना। तो सबसे पहली आवश्यकता ये है कि हर फीमेल को अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए हर फीमेल को हर लड़की को ये सीखने की आवश्यकता है कि हाउ टू एग्जामिन द ब्रेस्ट आप शीशे के सामने खड़े होके आप अपने ब्रेस्ट के साइज़ को देखिए एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन आप अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन जरूर करें यदि आपका साइज एब नॉर्मल है टेंडर दिखाई देता है बल्की दिखाई देता है एंड दोनों में का जो सेप है वो कलर चेंज हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से या गायनोकोलॉजिस्ट से मिलने की आवश्यकता है वो चेंज कुछ क्लिनिकली इंडिकेशन हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि आप मेमोग्राफी कराते हैं तो उसमें पाएंगे कि आपको कई बार ना लिम्फ बन जाते हैं यानी टेंडर बन जाता है या फिर वो आपकी जो ब्रेस्ट की जो मसल्स हैं वो स्टिक चिपक जाती हैं तो वो जर्नली हार्मोनल होता है और डेफिशेंसी के कारण होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता ये गांठें जो होती हैं ये लिम्फ होती हैं यानी लिम्फ नोट्स या कह सकते हैं या फैट्स कह सकते हैं वो टेंडर बन जाते हैं चिपक जाती हैं और वो विद राइट एक्सरसाइज एंड द मेडिसिन ठीक भी हो जाते हैं तो रोटेशन एक्सरसाइज मतलब दोनों हाथों को आप क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घुमाए घुमाइए और अपवर्ड एंड बैकवर्ड घुमाइए यानी शोल्डर्स का जो रोटेशन है वो आपके ब्रेस्ट के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज होता है तो वो आप जरूर करें प्रॉपरली अच्छे से प्रॉपर फिट ब्रा पहनें और अपने फूड में कैल्सियम वाइटामिन यानी एंटी ऑक्सीडेंट आयरन जरूर शामिल करें यदि इसका डेफिशेंसी होगा तो भी आपको ब्रेस्ट में पेन होगा और गांठ बन सकती है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि कोई क्लिनिकल इंडिकेशन है तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा क्लिनिकल इंडिकेशन में और जो क्लिनिकल डायग्नोसिस यदि ब्रेस्ट पेन का बनता है जो कि कैंसरस नहीं है नॉर्मल गांठ है या टेंडर है या स्वेलिंग है तो उसके लिए आपको कैल्शियम वाइटामिन डी यानी कोई भी ब्रांड आप कैल्शियम का ले सकते हैं जिसमें वाइटामिन डी थ्री होना चाहिए वो थ्री मंथ्स आप लेंगे वाइटामिन ई थ्री मंथ्स आप लेंगे तो ये दोनों जो मेडिसन है थ्री मंथ्स तक यदि आप लेते हैं और रेगुलर ब्रेस्ट का मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं विद विधर नॉर्मल फूड लेते हैं और अच्छे से प्रॉपर फिट ब्रा पहनते हैं आप तो तीन महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपको ब्रेस्ट का जो टेंडर था या जो खिंचाव था दर्द था वो बिल्कुल खत्म हो गया टेस्ट में आप मेमोग्राफी करा सकते हैं यदि इफ़ यू आर मोर देन 35 यदि 35 से कम है तो मेमोग्राफी ना कराएँ स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्टर से मिलें सिम्टम्स को बताएं और डॉक्टर्स सिम्टम्स के आधार पे भी एक डायग्नोसिस बना के आपको ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि हार्मोनल रीजन है तो उसको कैसे डील करें हार्मोनल रीजन है यदि ब्रेस्ट पेन के कारण टेंडर बनता है आपको ब्रेस्ट में खिंचाव आता है दर्द होता है या फिर कोई सिक्रिशन आपको दिखाई देता है या कलर चेंज होता है तो उसके लिए एक बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसन है यदि आप वो थ्री मंथ्स लेंगे तो हार्मोनल रीजन भी सेटल डाउन हो जाएगा एम टू टॉन फोर टेन एम एल मॉर्निंग एंड इवनिंग आप थ्री मंथ्स ये ले सकते हैं अलोंग विद द विटामिन ई एंड कैल्शियम सो दैट विल बी द राइट मैनेजमेंट एंड द राइट ट्रीटमेंट फॉर द ब्रेस्ट पेन thank you very much and take care of yourself